तीन चार दिन से इसी ताक में थी, आज उसने कर ही दिया इसका काम। लुकारी डर पड़ी, डर पड़ी लुकारी। यहाँ पे शानवी कब से धूप सेक रही थी और मेरा फोन देख रही थी, तो अभी मैंने इससे थोड़ा सा फोन लिया, मैंने कहा बाबू जरा सा वीडियो बनाने दे। अश्री है, और यहाँ पे लाली भी धूप सेक रही थी शनू के साथ, है ना लाली? लालू, हमने यहाँ पे चटाई बिछा रखी है शानवी के लिए, तो शानवी यहाँ पे बैठी थी, यहाँ पे साइड में धूप आती है ना थोड़ा सा, उसके लिए। शानवी को बहुत जुकाम लग रही है, इसकी जुकाम ही सही नहीं हो रही है, उसने दवाई भी खाई थी। है शानवी, ये क्या हुआ आप पे? मेरे पे ये तो ऐसे ही लग गया बाबू, छोटा छोटा लगता रहता है ना। तो 11 बज गया है टाइम, आजकल पता ही नहीं चल रहा सर्दियों में टाइम कब बीत जा रहा है। 9 बजे नाश्ता ऐसे हो रहा है, मतलब बंद तो जाता है बट 9 बज ही जाते नाश्ता करते करते, 9:30 कैसे बजती कुछ पता नहीं चलता। और अभी 11 बज गया है, और अभी मैंने मतलब झाड़ू धूड़ू तो लगा दिया, थोड़ा सा कपड़े बचे हैं धोने के लिए, फिर खाना वाना बनेगा, उसके बाद 11 बजे तक तो फिर खाने बनाने का टाइम हो जाता है, 11:15 बजे। काम देखना, सीटी बज रही तो कान बंद कर दे रही है, लकड़ी से उसको नीचे करने की कोशिश कर रही है। दाल रखी है मैंने फिलहाल, अभी सुबह भी रखी थी आज, और ये मैडम कुछ खाया नहीं, दवाई भी खानी थी इसने फिर भी नहीं खाया, जबरदस्ती एक बिस्कुट दिया हमने इसे, तो अभी फिलहाल मैं आटा नूडल्स बना रही हूँ एक इसके लिए। मैंने तो रोटी खाएगी अभी, तो रोटी के लिए मना किया, मैगी खाएगी तो मैगी के लिए तो मना कभी करते नहीं है बच्चे, तो चलो एक मैगी बना लेते हैं। और फिलहाल दाल रखी है, दाल हो जाएगी तो तब दाल चावल वगैरह बनाऊंगी। और सुबह से उल्टा काम भी उसके जारी है, कभी कुछ करी है, छेड़ रही है बार बार, उसकी मम्मी डांटती है तो अपनी मम्मी को बोलती है मुझे प्यार से बोलो मैं तब मानूंगी, मेरे तो प्यार भी उसके लिए कुछ नहीं है, मान ही नहीं रही बिल्कुल मेरा कहना। सानू, चाची का कहना क्यों नहीं मान रही है? ये देखो उसके उल्टे काम, तो हाथ पे लगेगी ना। चाची इसके लिए कुछ नहीं है, अली तो मेरा प्यारा बच्चा है, देखो प्यार से जूते और चप्पल खा रहा है। चलो उधर पागल। तो अभी फिलहाल खाना वाना भी बन गया है, आज सनू ने भी मेरी हेल्प करी आपने देखा, तो उस वजह से थोड़ा जल्दी बना मेरा खाना। बाकी दी लोग भी अभी आ गए हैं, मार्केट गए थे, दी मनु भी आ गए हैं, उनकी ड्यूटी अगले 10 दिन तक का पार्टी सेंट लगी है, तो वो वहीं जाएंगे, तो अभी आए हैं वो भी। मम्मी भी आ गए हैं, बस थोड़ा पीछे जा रखे हैं, नहीं आ गए हैं, लकड़ी उठा के मम्मी भी आ गए हैं, तो अब हम खाना खाएंगे। और मैं एक चीज़ दिखाती, आज सुबह झाड़ू लगाते हुए ना थोड़ा और ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी रंगोली, मेरा मन नहीं करता एकदम से इसको निकालने का ना, बट आज निकाल ही दूंगी क्योंकि ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इसको भी निकालना पड़ेगा आज। कलर भी इसका उड़ गया है, मतलब जैसे डार्क डार्क था ना जहाँ पे, वो लाइट हो गया है बहुत, तो इसको निकालने का टाइम भी आ ही गया, अब इसको भी निकालना पड़ेगा। आज इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल करिश्मा बिस्ट, मैं करिश्मा देव भूमि उत्तराखंड से। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम मस्त चकाचक होंगे मेरी तरह। और देखो आज पूरी फैमिली आ गई है साथ में, ज़्यादा बहुत कम टाइम होता है कि हम लोग साथ में होते, मैं ही रहती हूँ अकेले घर में, बाकी सब इधर उधर जाए रहते। और दी मार्केट से सॉक्स लेके आए हैं मिलने, ठंडा हो गया, बोले इधर तो सॉक्स पहन लेना, मेरे को वैसे भी पैर में प्रॉब्लम होती है ना। बाकी ये सन्नू वगैरह के लिए लेके आई है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी लाई है दी को। सन्नू अब मम्मी की मार खाते हुए हेल्प कर रही, वो आपकी क्यों मार रहे उसे? इसने बहुत मार खानी है आज ऐसा लग रहा है मेरे को। सन्नू इधर आ जा। 2 बज गए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, आज हम खाना बहुत लेट खा रहे हैं। और खाना खाने में इधर नहीं जा रही हूँ मैं, एक चीज़ लेने जा रही हूँ इधर, यहाँ मैं आई हूँ माल्टा लेने के लिए। दाल में काट के खाओ ना तो अच्छा होता है, हल्का सा खट्टा, हल्का सा मीठा नहीं हो रहा इतना बट खट्टा हो रहा है, तो मतलब नींबू वाला काम करता है ना तो अच्छा लगता है। मैं एक दो यहाँ से ही लेके जाती हूँ, वैसे भी येल्लो हो गया, ये अपने आप झड़ झड़ जा रहे हैं, तो इससे अच्छा हम दाल में खा लें, है ना। ऊँचे है ये ऊँचे, थोड़ा पेड़ नीचे करना पड़ेगा और मुझे कैमरा भी बंद करना पड़ेगा। तो निकाले हैं मैंने, ऊपर भी थे येलो येलो बड़े बट मैं वहाँ पहुँच नहीं पाई, तो यही निकाले हैं फिलहाल। भाभी भी है हमारे साथ, यू खाना मैंने बात में यू। तो हमारा खाना पीना हो गया दोस्तों, और आज भाभी बहुत दिनों बाद यहाँ आई है। क्या करें दोस्तों, अब सर्दियों में धूप सेकने का टाइम आ गया तो बैठे हैं बाहर पे, धूप आ नहीं रही आज, मौसम बहुत बदला बदला लग रहा है, कभी भी बारिश जैसा हो सकता है। और मम्मी और
भाभी की तो बातें हो रही है। अब देखते हैं शाम को अगर ऊपर जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी, मेरे को ले जाएंगे तो, नहीं तो मैं जबरदस्ती जाऊंगी। चले अच्छा क्या कर रहे सन्नू? जादू तोड़ दिया। अच्छा और क्या किया? बहुत अच्छा किया आपने। और क्या किया? खाना खा रही उसकी स्पेशल थाली तो अपनी बातों में लगे थे, वो ऊपर अपना ही काम कर रही थी सन्नू महारानी। दादी की आवाज भी आ रही थी मुझे इधर गाने सुनने की, गाना सुना रही थी दादी। दादी जी आपकी आवाज आ रही थी गाने की। कौन गा रहा था? अभी गा रहे थे आप इधर आके गाओ। देखिए सन्नू को मौका मिला, उसने पूरा हाथ फेर दिया इस पे अच्छे से। तीन चार दिन से इसी ताक में थी, आज उसने कर ही दिया इसका काम। दी चढ़ी है ऊपर पेड़ पे छीमी निकालने के लिए और मम्मी ने नीचे फैला रखा है अपना पल्ला। और ये बच्चे आ रहे स्कूल से 4:20 पे, आजकल एग्जाम हो रहे हैं इनके, खत्म नहीं हुए। अच्छा मैं पूरा डाल कटा लिया ऊपर से नीचे के पेड़ गिरा दिया सोचा कि ऊपर बहुत वो होंगी छेमिया, ऊपर देखो तो कुछ भी नहीं है, फूल लगे हैं अभी हल्की पतली पतली है। अंदर की साइड होगी। ये पन्नू भी आ गया है दिनास्ते। पन्नू महाराज, पन्नू पन्नू उसको तो पानी चाहिए बस, वो पानी देख के पानी रॉकी को भगा रहा। यहाँ देखो परबल के बीच लगले के बीच में दीदी निकली हमारी बाहर ऊपर चढ़ी थी जब तक दी सब्जी निकाल रही है तब तक मैंने सोचा मैं इसको साफ कर दूं, यहाँ पूरा घासी घास हो रखा है। देखो ये आज आ रहे हैं 5 बजे। अभी हमारा टाइम हो चुका है दोस्तों खाना बनाने का, और कल सन्नू जा रही है तो उसके चाचा उसको सिखा रहे हैं यू प्ले हाइड एंड सीक। ये जा रही है। सन्नू डरा रहे चाचा? डरा रहे? क्या बोल रहे? आई सी ये घरिया केला है, घरिया केला बड़ा होता है ये, काफी पहाड़ी केला बोलते हैं इसको। ये आ गई दूसरी फूल लेने के लिए इसने बाल काट दिया दोस्तों, परसों में दिखा रही थी ना इसके बाल क्यों लंबे वाली, दिखा दे चुटिया, देखो इसने कितनी छोटी कर दी अपनी चुटिया। मतलब जिनके बाल होते हैं वो ऐसे काटते हैं, जिनके नहीं है वो बोलते हैं कि कब बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी पता चला है कि गाड़ी कल कैंसिल हो गई है तो दी लो अब परसों जाएंगे। और एक चीज और है, ये देखो पैकेट में समोसा आने लग गए हैं और इसके अंदर सच में समोसे भी रखे हैं छोटे छोटे, केचप भी दे रखा उन्होंने, दी लेके आई आज मार्केट से, तो अभी दी खा के बताइए कैसा हो रहा है। क्या रखा है इनके अंदर? मत आलू होंगे कि मसाला होगा, क्या है? मूंग की दाल का मसाला है, मूंग की दाल का मसाला भरा है छोटे छोटे समोसों में। वैसे ठीक है हल्का फुल्का स्नैक्स चाय के साथ के लिए अच्छा हो रहा। चलो बना बना समोसा खाएंगे अब, सब कुछ आने लग गया। कल ये फैन नहीं होते जो लंबे लंबे हैं, तो वो बिस्किट टाइप के थे छोटे छोटे, तो वो भी ला रखे थे वैसे, तो बोले कि बहुत मस्त वाले बिस्किट है, देखा तो अंदर फैन देखा तो अंदर फैन थे। तो चलो अभी चाय का मजा लेंगे और चाय के साथ समोसा। रेड पेट सिपे दादा बुज्जे बैठ मतलब इसका मतलब भी बताओ। रेड पेट होके आना नीचे तैयार होके, जुराब राप पहन के। अच्छा अब मम्मी भी देखो अभी नहाए, आजकल हम लोग शाम को ही नहा रहे हैं, दिन में ज्यादा ठंडा लग जाता है ना, रात में नहाते हैं। मीते नहीं दिखाड़ किले नहीं दिखाड़ है लुकारी, डर पड़ी लुकारी लुकारी डर पड़ी शाम।
अभी फिलहाल हमारा खाना पीना हो गया है और हम लोग बैठे हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे चूल्हे के पास, और सानवी खा रही है खाना, उसको जब खिला रहे हैं ये गेम में लगी हुई है। और आज मतलब आजकल भाभी लोग आ रखे, दीदी लोग आ रखे हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के ये होता है कि थोड़ा गप्पे सप्पे लगा दो, सोना तो रात में होता ही है, सोना ही है जाके, थोड़ी देर रह लेते हैं यहाँ पे। बाकी और क्या है, दो एक दो दिन में दी लोग भी चले जाएंगे, कल का कैंसिल हो गया, परसों जाएंगे अब वो लोग। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था, छोटी छोटी चीज़ें थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखें, बाय बाय दोस्तों।